उधर लखनऊ में एक रोज पहले हुई गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या पर परिवार वालों ने सवाल उठा दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर संजीव जीवा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर नहीं लाए जाने पर उसके घर वालों ने साजिश का शक जताया। एक रोज पहले ही लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस सुरक्षा के बीच जीवा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसके बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने होने पर परिवार के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा को हर बार पेशी पर बुलेट प्रूफ जैकेट में ही लाया जाता था, लेकिन इस बार वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के था। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि जीवा को साजिश के तहत मारा गया है। कल नहीं दी सर, कल पहनने नहीं दिया, जाना दी नहीं, क्या कारण था? पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ जेल से जीवा को लेकर 10 पुलिस वाले कोर्ट के लिए निकले थे, लेकिन हत्या के वक्त सिर्फ 4 जवान वहां मौजूद थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि जीवा के हाथ में हथकड़ी लगी थी, जबकि पहले वो बिना हथकड़ी में आता था। और पुलिस के मुताबिक लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के लिए शूटर विजय यादव ने अमेरिकी रिवॉल्वर अल्फा का इस्तेमाल किया। इस रिवॉल्वर को में 6 गोलियां लोड होती हैं। आरोप है कि शूटर ने जीवा को मारने के लिए उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव जीवा के शरीर से 6 गोलियां मिली, मतलब शूटर विजय यादव की चलाई एक भी गोली मिस नहीं हुई। उसका निशाना इतना सटीक था कि रिवॉल्वर में मौजूद 6 की 6 गोलियां जीवा के शरीर में जा घुसी। अमेरिका की ये .357 बोर की अल्फा रिवॉल्वर 5 से 6 लाख रुपए में मिलती है। यही नहीं, इसकी गोलियां भी महंगी आती हैं। जानकार बताते हैं कि इसकी एक गोली की कीमत करीब 1.5 से 2 हजार रुपए है। खास बात यह कि अमेरिका में बनने वाली अल्फा रिवॉल्वर को भारत में बेचने और खरीदने पर रोक नहीं है। हालांकि पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि शूटर को यह हथियार मिला कहां से। इधर पुलिस सूत्रों का कहना है कि लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है। जीवा की हत्या कराने के पीछे पश्चिमी यूपी के बड़े गैंगस्टर सुनील राठी पर शक जताया जा रहा है, जिस पर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कराने का भी आरोप है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सुनील राठी की तरह ही पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव जीवा गैंग बनाकर इलाके में अपना दबदबा बनाने लगा था। इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि गैंग वॉर की वजह से ही संजीव जीवा को ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि हत्याकांड का आरोपी विजय यादव सुनील राठी गैंग से जुड़ा है। खबर है कि करीब 3 महीने पहले विजय यादव सुनील राठी गैंग के संपर्क में आया था, जिसके बाद उसे जीवा को मारने की सुपारी दी गई। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 महीने से विजय लखनऊ कोर्ट की रेकी और हत्या की प्लानिंग में जुटा था, और इसीलिए वो अपने घर वालों के संपर्क में भी नहीं था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी विजय यादव लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर जीवा को मारने के लिए पूरी तैयारी से आया था। जीवा को उस वक्त गोली मारी गई जब उसे पेशी के लिए लखनऊ जेल से कोर्ट लाया गया, और उसकी सुरक्षा में 2 दारोगा, 4 हेड कांस्टेबल और 6 सिपाही तैनात किए गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा के पहुंचने से पहले ही शूटर विजय यादव वकील के कपड़ों में पहले से ही कोर्ट में उसका इंतजार कर रहा था। कोई उस पर शक न करे, इसके लिए उसने जेब में पेन और हाथों में फाइल पकड़ रखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही संजीव जीवा कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ, वैसे ही विजय शूटर भी उसके पीछे चलने लगा, और फिर मौका मिलते ही उसने पीछे से उस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि जीवा को मारने के बाद विजय कोर्ट रूम से बाहर भागा, लेकिन वहां मौजूद वकीलों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने उसे वकीलों से छुड़ा लिया। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर संजीव जीवा को शूटर विजय यादव ने 6 गोलियां मारी थी। एक रोज पहले लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद देर रात डॉक्टरों की एक टीम ने उसके शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके मुताबिक संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी जो उसके शरीर के आर पार हो गई। सभी गोलियां पीठ पर बाईं तरफ मारी गईं, जो सीने और पेट की तरफ से दूसरी तरफ निकल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि सभी गोलियां शरीर में एक दूसरे के बेहद करीब लगी, जिसकी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि विजय एक शार्प शूटर है और उसे गोली चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा को गोलियां शरीर के उन हिस्सों पर मारी गईं जहां चोट पहुंचने के बाद जिंदा बचना मुश्किल होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जीवा को ज्यादातर गोलियां सीने के पास मारी गईं, ताकि वो किसी भी तरह जिंदा ना बचे। और एक दिन पहले लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले गैंगस्टर संजीव जीवा की मौत के बाद उसकी पत्नी को भी हत्या का डर सताने लगा, जिसके बाद वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और वहां गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी दाखिल करने की मांग की। संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने आशंका जताई कि उन्हें भी उनके पति की तरह मौत के घाट उतारा जा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका की कॉपी उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को सौंपने के निर्देश दिए, साथ ही ये भरोसा दिया कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। उधर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में भी एक बड़ा पर्दाफाश हुआ, जिसमें पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इसके मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो ने नाबालिगों से लाखों रुपए लूटे। सूत्रों के मुताबिक बद्दो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की आड़ में फंड जुटा रहा था, और बच्चों को बहला फुसलाकर बद्दो उनसे पैसे ऐंठता था।
पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई नाबालिगों ने इसलिए बद्दो को रुपए दिए ताकि वो उसके गेमिंग ऐप से रोजाना जुड़ सके। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस फरार चल रहे बद्दो के एक बैंक खाते की जांच में जुटी है, जिसमें कई लोगों ने पैसे डाले हैं। पुलिस को यह भी शक है कि बद्दो के इसी बैंक खाते में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण से जुड़ी फंडिंग भी होती थी। खबर है कि बद्दो का ये बैंक अकाउंट पिछले 4 साल से एक्टिव है और उसमें ज्यादातर पैसे ऑनलाइन जमा किए गए। पुलिस इस बैंक खाते के अलावा बद्दो के दूसरे अकाउंट की भी जांच में जुटी है और इसी जांच के दौरान गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो कोरोना काल में ऑनलाइन गेम का एक्सपर्ट बना, लेकिन इसका असली मकसद हिंदू नाबालिग लड़कों को अपने जाल में फंसाना था, जिसके लिए बद्दो ने गेमिंग ऐप का सहारा लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो ने कोरोना काल में ऑनलाइन गेम में महारत हासिल कर ली, जिसके बाद उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। ये दोनों ऐप लिंक और कुछ वेबसाइट के जरिए भेजे जाते थे और पुलिस सूत्रों का कहना है कि खेलने के दौरान नाबालिग कहीं फंस जाते या गेम में हारने की कगार पर पहुंच जाते थे तो बद्दो उन्हें कुरान की आयतें पढ़ने की सलाह देता था। खबर है कि जैसे ही उसकी बात मानकर नाबालिग बच्चे कुरान की आयतें पढ़ते थे, बद्दो जानबूझकर हार जाता था ताकि बच्चों को यकीन हो सके कि कुरान की आयतें पढ़ने से ही उन्हें जीत हासिल हुई। उधर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़ा जाकिर नायक धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाने के लिए गेमिंग ऐप और वीडियो का सहारा ले रहा है। जाकिर नायक पर युवाओं को बरगलाने और उनसे चंदे के नाम पर मोटी रकम हासिल करने का आरोप है, जिसके लिए जाकिर नायक गेमिंग ऐप और वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक गुजरात में पिछले 24 घंटे में 7,500 लोगों ने जाकिर नायक के वीडियो देखे। यही नहीं, जाकिर नायक गेमिंग ऐप के जरिए भी युवाओं को बरगलाने की कोशिश में जुटा है। खबर है कि भारत में जाकिर नायक के सभी ऐप पर बैन लगने के बाद उसने 4 अलग-अलग नई वेबसाइट भी बनाई, जिनके जरिए वो लोगों को बहकाकर उनसे चंदे के तौर पर बड़ी रकम हासिल करना चाहता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि जाकिर नायक धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाने की फिराक में है और उसके निशाने पर गरीब बच्चे हैं। उधर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले की जांच में पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई कि शाहनवाज उर्फ बद्दो नाबालिगों को दुबई ले जाने की फिराक में था। खबर है कि पुलिस को इसकी जानकारी ग्रुप चैट से मिली, जिसके मुताबिक बद्दो ने गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो नाबालिगों को दुबई ले जाना चाहता था। ग्रुप चैट की जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि उसने बच्चों को न सिर्फ दुबई जाने के लिए मुफ्त में हवाई टिकट का लालच दिया, बल्कि फ्री में वहां रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने का भी वादा किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी वजह से जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि दुबई में बद्दो के तार कट्टर पंथियों से भी जुड़े हो सकते हैं। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो किराए की गाड़ी से फरार होने की तैयारी में था। पुलिस के मुताबिक वो किराए पर कार मुहैया कराने वाली ऐप जूम कार के जरिए गाड़ी बुक करने की कोशिश में था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने के आरोपी शाहनवाज और बद्दो को ये पता था कि पुलिस उसे ढूंढते हुए महाराष्ट्र के ठाणे के मुमरा इलाके में पहुंच चुकी है, जिसके बाद वो भागकर कोल्हापुर पहुंच गया और वहां से आगे जाने के लिए वो बस या ट्रेन नहीं बल्कि किराए की कार का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उसे ये डर था कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाल जरूर बिछाया होगा। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ही उसने किराए पर कार मुहैया कराने वाली ऐप जूम कार के जरिए गाड़ी बुक करने की कोशिश की, जिसके लिए उसने अपने नंबर से कई बार फोन किए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वो कार बुक करने में नाकाम रहा। इधर पुलिस सूत्रों का दावा है कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण करवाने वाले मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो के निशाने पर एक हिंदू नाबालिग लड़के की दोस्त भी थी। मतलब गेमिंग ऐप के जरिए बद्दो न सिर्फ हिंदू लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी बरगलाकर उनका धर्म बदलवाने की तैयारी में था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसका पता तब चला जब गाजियाबाद पुलिस ने गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड की जांच की, जिसमें पुलिस को ऐप पर बने एक चैटिंग ग्रुप में एक हिंदू नाबालिग लड़की के शामिल होने का पता चला, जो एक लड़के की दोस्त है। पुलिस को शक है कि बद्दो उस हिंदू नाबालिग लड़की को भी बरगलाकर मुस्लिम बनाने की फिराक में था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बद्दो ने ग्रुप में शामिल एक लड़के की मदद से साजिश के तहत उस लड़की को ग्रुप में शामिल किया था, ताकि धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर उसका भी धर्मांतरण करवाया जा सके। इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धर्मांतरण कराने वाले गेमिंग ऐप से बच्चों को सचेत करने की तैयारी कर ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि शाहनवाज उर्फ बद्दो नाबालिग बच्चों को ऑनलाइन गेम में फंसाकर ही उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। यही वजह है कि अब गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी अलर्ट हो गया और उसने इस मामले में गाजियाबाद पुलिस को जांच करने के आदेश दे दिए। जहां इस तरीके के गेमिंग ऐप पोस्ट हो रहे हैं, उनकी भी एक विस्तृत जांच की जाए। इतना ही नहीं, इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी जांच के लिए कह दिया, ताकि ऐसे प्लेटफॉर्म का पता लगाया जा सके जहां से ऐसे गेम होस्ट किए जा रहे हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों को ऐसे गेमिंग ऐप से दूर रखने के लिए उन्हें जागरूक करेगा।